कैसे हो? अरे मिष्टी, तुम और कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ, आप बताओ आप कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ, पर आज तुम यहाँ कैसे? वो ना, मैं कोचिंग के लिए गई थी, मैंने सोचा मैं तुमसे ही मिल लूँ। और बताओ, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? पढ़ाई तो ठीक चल रही है। और तुम्हारा मैथ का कोर्स पूरा हो गया? नहीं मिष्टी, वो ना मेरे पास मैथ की बुक नहीं है, इसलिए मेरा काफ़ी कोर्स छूट गया। मैंने माँ से पैसे मांगे थे, लेकिन उनके पास भी पैसे नहीं हैं। जब तक मुझे वो पैसे देंगी, तब तक मैं बहुत लेट हो जाऊँगा और मेरा काफ़ी कोर्स छूट जाएगा। वैसे भी कल को तो कॉलेज की छुट्टी है, मैं कल मजदूरी करने जाऊँगा और उससे जो पैसे मिलेंगे मैं अपनी बुक ले आऊँगा और फिर मेरा सारा कोर्स पूरा हो जाएगा। मेरी मैथ की बुक और अपना सारा कोर्स पूरा कर लेना। अरे नहीं मिष्टी, मैं कल बुक ले आऊंगा। अगर तुम ये बुक मुझे दे दोगी तो तुम्हारा कोर्स छूट जाएगा। नहीं ब्रजेश, इस बुक को तुम रख लो, मुझे इसकी ज्यादा जरूरत नहीं है। इससे तुम्हारा सारा कोर्स पूरा हो जाएगा और फिर कहीं तुम्हें काम पे भी नहीं जाना पड़ेगा। अगर मिष्टी तुम्हारा कोर्स पूरा नहीं हुआ तो तुम्हें कॉलेज में डांट फिरेगी। तो क्या हुआ, मैं तुम्हारे लिए इतना नहीं कर सकती? आखिर तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। काश भगवान ऐसा दोस्त सबको दे जो अपने से ज्यादा दूसरे का ध्यान रखे। अच्छा चलो ठीक है, अब मैं चलती हूँ। ठीक है मिष्टी। हाँ भाई बोलो। ठीक है भाई, मैं अभी आता हूँ। भाई वो आता ही होगा, आज होटल में पैसे देने को उससे कहना। अरे यार, उसके पास तो 1 रुपया भी नहीं होगा, वो गरीब है ना। अरे नहीं भाई, वो सिर्फ गरीबी का नाटक दिखाता है। अरे यार, वो काम भी नहीं करता ना, इसलिए उसके पास पैसे नहीं होंगे। अरे भाई, उसको एक बार आजमा कर तो देखो। भाई कैसे हो तुम दोनों? अरे यार, हम तो ठीक हैं। चल आज होटल में खाना खाने चलते हैं। ठीक है भाई चलो। लेकिन आज पैसे तू देगा, मैं हमेशा देता हूँ। लेकिन भाई मेरे पास पैसे नहीं है। क्या, इसका मतलब तू मतलबी है और तू मुझसे पैसों के लिए दोस्ती रखता है? नहीं भाई, तू ऐसा मत सोच, मैं मतलबी नहीं हूँ। अगर तू मतलबी नहीं है तो फिर तू पैसे देने से मना क्यों कर रहा है? घर पर जो फीस के लिए पैसे रखे हैं उन्हें लेकर चला जाता हूँ। क्या हुआ, क्या सोच रहा है? कुछ नहीं भाई, मेरे पास यहाँ पर तो पैसे नहीं है, घर पर है, मैं उन्हें लेकर आता हूँ। हाँ हाँ चल ठीक है। चलो भाई चलते हैं। ठीक है। बताओ ब्रजेश, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? मिष्टी, पढ़ाई तो मेरी अच्छी चल रही है। चलो चलते हैं। अरे मस्ताना भाई, वो देखते रहा गरीब दोस्त।
हाँ यार, ये तो ब्रजेश ही है। और ये लड़की कौन है जिसके साथ ये घूम रहा है? इसके साथ लड़की इसकी गर्लफ्रेंड हो सकती है, और कौन हो सकती है? अच्छा, इसका मतलब ये अपना पैसा इस लड़की पे खर्च करता है और अपना खर्च चलाने के लिए मुझसे लेता है। मिलने दो आपकी बारी से, इसे मैं अच्छे से सबक सिखाता हूँ। अरे, आते वक्त तो पैसे मैंने जेब में रखे थे, कहाँ गिर गए? अरे, अब मैं क्या करूं, मेरे पास तो फीस भरने के लिए वही पैसे थे। एक काम करता हूँ, भूपेंद्र से ले आता हूँ पैसे, वो मुझे कभी मना नहीं करेगा। भाई वो देख, तेरा गरीब दोस्त आ रहा है। आज वो तेरे से पैसे मांगना आ रहा है। अच्छा, तुझे कैसे पता चला? तू खुद ही देख लेना। और क्या हाल है ब्रजेश भाई? भाई मैं ठीक हूँ, पर भाई मुझे तुमसे कुछ मदद चाहिए थी। मदद? कैसी मदद? यार, मुझे कॉलेज की फीस भरनी थी, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। यार, मुझ पर पैसे तो थे, रातें से मैं कहीं गिर गए, इसलिए मैं तुमसे पैसे मांग रहा हूँ। यार, अगर मेरे स्कूल की फीस जमा नहीं हुई तो वो मुझे कॉलेज से निकाल देंगे। क्या हुआ भाई, तुम हंस क्यों रहे हो? मैं तुमसे सच बोल रहा हूँ, मुझे पैसों की ज़रूरत है, और तुम हंस रहे हो। देखो भाई, मैंने पहले कहा था। अबे ओ, तू और कितना झूठ बोलेगा? नहीं भाई, मैं झूठ नहीं बोल रहा। अबे तू सच क्यों नहीं बोल देता? तूने अपनी फीस भरने वाले पैसे अपनी बंदी पर उड़ा दिए। भाई तू ये क्या बोल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, मैं सच बोल रहा हूँ, हम दोनों ने उस दिन तुझे उस लड़के को घुमाते हुए देखा था, और तू कह रहा है कि मेरे पैसे गिर गए। नहीं भाई, तुझे ज़रूर कोई गलत फहमी हुई है, जैसा तू सोच रहा है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो लड़की मेरी गर्लफ्रेंड नहीं, मेरी दोस्त है। और भाई मैं सच बोल रहा हूँ, मेरे पैसे कहीं गिर गए। अबे चुप हो, तू झूठ बोल रहा है? तुझ जैसे गरीब लोग झूठ बोल कर अपना मतलब निकालते हैं? मैं ही पागल था जो तुझ जैसे गरीब को अपना दोस्त बना लिया। मैंने सुना था कि गरीब लोग दिल के बहुत साफ होते हैं। भाई मेरी बात तो सुन, पता नहीं तूने कितनी बार पढ़ाई के नाम पर मुझसे पैसे लेकर अपनी गर्लफ्रेंड को घुमाया होगा। भाई तू पैसे देना नहीं चाहता तो मत दे, पर तू मुझे इस तरह मत बोल। हाँ मैं जानता हूँ तुझे मेरी बातें कड़वी लग रही होंगी, तो सुन, उस पर मेरा बहुत उधार है जिसे तू नहीं चुका सकता। आज तक तू मेरे पैसों से मजे लेता आया है और अपने पैसों से लड़की घुमा रहा है। ओए गरीब, सुन, आज से तेरी मेरी दोस्ती खत्म, क्योंकि मैं मतलबी लोगों से दोस्ती नहीं रखता। भाई ठीक किया ना मैंने आज? हाँ भाई, तूने ठीक किया इस गरीब से हाथ छुड़ाकर। क्या हुआ ब्रजेश, तुमने मुझे इतनी जल्दी में क्यों बुलाया? मिष्टी, मुझे तुमसे एक जरूरी काम है। हाँ बोलो, क्या बात है? मिष्टी,
मुझे तुमसे कुछ पैसे चाहिए। मैं कल रास्ते में जा रहा था, मेरे पैसे कहीं गिर गए और वो पैसे मेरी फीस के थे। अगर मैंने समय पर फीस नहीं भरी तो वो लोग मुझे कॉलेज से निकाल देंगे। ठीक है, लेकिन इसमें इतना परेशान होने वाली कौन सी बात है? ये लो पैसे। अरे बिरजेश, तुम ये बताओ, तुम इतने उदास क्यों हो? कोई और परेशानी है क्या? अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं है। क्या हुआ बताओ। मिष्टी, मेरा जो दोस्त है भूपेंद्र, आज मेरी उससे लड़ाई हो गई है। तुमने तो बोला था वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, फिर लड़ाई कैसे हो गई? मिष्टी, वो मेरे फीस के पैसे गिर गए थे, मैं उससे पैसे मांगने गया था, लेकिन उसने मुझे बहुत भला बुरा बोला। कहीं तुम भी तो अपनी दोस्ती नहीं तोड़ दोगी, क्योंकि अमीर लोग हैसियत देखकर दोस्ती करते हैं। नहीं बिरजेश, मैं तुम्हारे उस दोस्त जैसी नहीं हूँ। तुम मेरे अच्छे दोस्त हो, मैं कभी तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करूँगी। अच्छा चलो ठीक है, मैं चलता हूँ। ठीक है। ओए, जल्दी से सारा गार्डन साफ कर दो, सर आने वाले होंगे। आइए सर, मैंने यहाँ का सारा काम करा दिया है। बहुत अच्छा किया। वो दोनों कौन है? यहाँ पर बुलाओ उन्हें। ओए, यहाँ पर आओ दोनों। अरे बिरजेश, तुम हो? हाँ मैं वही हूँ जिसे तुमने झूठा और बेईमान समझा था, जिससे दोस्ती का रिश्ता तोड़ दिया था। लेकिन ये सब कैसे हो गया? पर तुम तो इससे पैसे लेते थे। उस दिन तुम लोगों ने जब मुझे बेइज्जत किया था ना, मैंने तभी कसम खाई थी कुछ बनकर रहूँगा, और तभी से मैंने मन लगाकर पढ़ाई करना शुरू कर दिया। किसी का हालात देखकर कभी किसी का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, और बिना वजह जाने कभी किसी को गलत नहीं बोलना चाहिए। मुझे माफ़ कर दे मेरे दोस्त, मैं इसकी बातों में आ गया था, इसने मुझे तेरे खिलाफ़ बहुत भड़काया था।
भाई मुझे ही माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें गरीब और गवार समझा था, लेकिन तुम तो बहुत मेहनती निकले। मुझे अपनी मेहनत पर बहुत विश्वास था, इसलिए मैं आज इस मुकाम पर हूँ और तुम अपनी वजह से मेरे यहाँ काम कर रहे हो। भाई मुझे माफ़ कर दे, क्या तू मुझे भी माफ़ नहीं करेगा? मैं तो तेरा अच्छा दोस्त था। ठीक है चलो मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, पर आगे से कभी किसी के साथ ऐसा मत करना। ठीक है भाई। चलो ठीक है, वहाँ जाकर काम कर लो। You already know. We roll.